सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको पूरा मतलब भीम जयंती के दिन जो है डेकोरेशन जो होता है वो पूरा डेकोरेशन आज की वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। अभी जो है मैं भीम चौक में आ चुका हूँ, तो इस टाइम में जो है बहुत बड़ा जो है सेटअप लगता है, डीजे लगता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो है सेटअप लगने का जो काम है अभी चालू है, तो बहुत ही खुशी हो रही है मेरे को, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जैसे ही मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, जैसे ही डीजे लग जाएंगे। तो 14 अप्रैल के दिन बहुत सारे जो है हज़ार लोग जो है यहाँ पर आते हैं भीम जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए। तो आज की वीडियो में आपको पूरा डेकोरेशन जो है दिखाने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते वीडियो को बनाते हैं स्टार्ट। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं पाटनटा स्क्वायर में, और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत से जो है यहाँ पर डेकोरेशन किया गया है। हर जगह जो है फ्लैग ही फ्लैग जो है लाइन से लगाए गए हैं। आगे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पंचशील का और जय भीम का जो है यहाँ पर लगाया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसका भी देख सकते हैं डेकोरेशन का काम चालू है, और यहाँ पर बहुत बड़ा फ्लैग लगा हुआ है पंचशील का। और हर गली में जो है आपको डेकोरेशन देखने को मिलने वाला है। हर गली में जो है अलग अलग इस साइड में जो देख सकते हैं, हर गली में जो है लाइटिंग करी है। देखो हर एक गली में, हर गली जो है बहुत खूबसूरत तरीके से सजाई गई है और लाइटिंग करी गई है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है भीम चौक में डीजे का जो है सेटअप यहाँ पर लगाया जा रहा है। देख सकते हैं बहुत ही जोर शोर से जो है यहाँ पर काम चालू है। तो जैसे कि हर साल की तरह जो है यहाँ पर डीजे लगता है, तो देख सकते हैं काम चालू है। लेजर लाइट जो है यहाँ पर सॉरी शार्प लाइट जो है लगाया जा रहा है यहाँ पर। यह अभी हम आ चुके हैं भीम चौक। यहाँ पर 14 अप्रैल के दिन बहुत सारा रश, बहुत सारे लोग आते हैं भीम जयंती। स्वागत गेट लगा दिया गया है, वहीं से जो है लोग एंट्री करेंगे, और यहाँ पे भी जो है डीजे लगेंगे। और यहाँ पे शायद तो स्टेज भी बन सकता है, क्योंकि पिछली बार जो है लास्ट ईयर जो है यहाँ पर मतलब कि स्टेज वगैरह बना था, जहाँ पर लोग डांस कर रहे थे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्वागत जो है गेट यहाँ पर बनाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सामने में भी पूरा जो है पंडित के फ्लैग और जय भीम के फ्लैग के लाइन से लगे हुए हैं, क्योंकि शेरी हूँ 100 दिवस जगण्यापेक्षा वाघ हूँ 1 दिवस जगा। तो अभी हम जो है इंदिरा ग्राउंड के पास आ चुके हैं। तो 14 अप्रैल के दिन जो है यहाँ पर मेला भी लगने वाला है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर काम चालू है अभी इंदिरा जो है मेला का, जो है 14 अप्रैल में रेडी हो जाएगा और चालू हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे भी चालू है ना देखो। तो दोस्तों ये अभी हम जा रहे हैं अंदर में, यहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत से जो है डेकोरेशन काम चालू है, लाइटिंग वगैरह जो है लगाई जा रही है यहाँ पर। अभी हम आ चुके हैं इंदिरा बुद्धि विहार के पास। इस तरह से जो है यहाँ पर सजावट हो रही है, देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते डेकोरेशन का जो है काम चल रहा है हर जगह। दोस्तों ये अभी हम आ चुके हैं गड्डी गोडा मेट्रो स्टेशन के पास, और यहाँ पे आप देख सकते हो पंचशील का पूरा जो है सर्कल शेप में सॉरी सभी जगह जो है फ्लैग लगाया गया है, और सबसे बड़ा बैनर भी जो है यहाँ पर लगाया गया है, बैनर और लगा चालू है यहाँ पर। और आगे भी यहाँ पर भी जो है लाइट जो है क्रांति सूर्य तू शिल्पकार तू भारताचा बोधिसत्व मूक नायका, मोडल्या रूढी त्या परंपरा दिव्यतेजा तूच सकल न्यायदायका।
सत्व मूक नायका मोडला रूढी त्या परंपरा दिव्यतेचा तूच सकल न्यायदायका जीवन तुझे आम्हास प्रेरणा दाही दिशा तुझीच गर्जना गर्जना भीमराया दोनों साइड में जो है डीजे लग रहा है इस साइड में, और ये एलईडी स्क्रीन भी लगी है जिसमें बाबा साहब की फोटो जो है आ रही है, और यहाँ पर जो डीजे लगाने का जो है काम यहाँ पर चालू है।